कराते हैं, आप टीचर को पेमेंट कितना देते हैं, गाय गधा बैल भैंस सबको एक के में आप हाँक रहे हैं एक साथ। अभी भी स्टूडेंट कंफ्यूज है कि जो नियोजित शिक्षक हैं क्या हमारे ही सीट पर फाइट करेंगे या उनके लिए अलग को भुगतना उन नियोजित शिक्षकों को भी पड़ रहा है, इन अभ्यर्थियों को भी पड़ रहा है और सरकार भी कहीं ना कहीं इसके शिकार एक तरीके से हो रहे हैं। इतना मात्र 499 रुपये में टोटल 14 सब्जेक्ट 14 अलग अलग टीचर के द्वारा प्लेटफॉर्म जो नवीन सर मतलब की है, जो उस समय प्लेटफॉर्म में लोग इनके बारे में कहते थे कि सर को पता नहीं कहाँ से नोटिफिकेशन पहले मिल जाता है कि सरकारी नोटिफिकेशन आने के पहले ये नोटिफाई कर देते थे, लोगों को बता देते थे, रेलवे से जानकारी इनको मिल जाती थी और ये बता देते थे, लोग उसी पे सर पे भरोसा करने लगे थे। तो सर से हम जानना चाहते हैं कि सर क्या फिर से आप बीपीएससी टीचर को लेकर के या बीपीएससी से रिलेटेड जो भी आपने जो रणनीति आप कर रहा है क्या आप उसी तरीका से लोगों को तैयारी करवाए हैं, क्या लोग आपसे वही अपेक्षा रखें? कुछ बात हम कहना चाहते हैं जी। जैसे पिछले 22 साल से हमारा कोचिंग चल रहा है और 22 साल का हमारा अपना अनुभव और स्टूडेंट का साथ है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप जितना स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के माध्यम से ही मैक्सिमम निकल करके आता है। आज आते हैं बच्चे, एक विश्वास है कि नहीं सर जो बताएंगे वो गलत नहीं बताएंगे, चाहे किसी एग्जाम के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात हो या तैयारी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात हो या कोई एग्जाम के रणनीति से संबंधित हो, किसी भी तरह का इशू होता है तो स्टूडेंट बेहिचक बड़े विश्वास के साथ हमारे पास तक पहुंचते हैं। तो हमारा भी प्रयास होता है कि अलग अलग जगहों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और सही सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके स्टूडेंट तक हम पहुंचाएं और इसलिए इतने सारे बच्चे जुटते हैं। अभी आप देखेंगे कि रेलवे की बात अभी आप उठाए तो 20 साल से हमको लगता है कि रेलवे में हम जितना काम किए हैं उसका एक अलग मुकाम भी हमको हासिल हुआ है और हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ से पढ़ करके अभी कहीं ना कहीं कार्यरत हैं और भारत का कोई ऐसा स्टेशन नहीं होगा जहाँ कि आपको प्लेटफॉर्म के बच्चे आपको नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं। भारत के हर स्टेशन पे ग्रुप डी से लेकर के आप स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर तक हर पोस्ट पे आपको मिल जाएंगे। तो अभी जिस परिप्रेक्ष्य में आप बात किए, अभी बात किए कि बिहार में जो शिक्षक की वैकेंसी निकली हुई है उससे रिलेटेड, जब क्योंकि अभी सबसे हॉट मुद्दा वही है और जब से ये शिक्षक की वैकेंसी आई है लगातार विवादों से घिरा हुआ है। इसमें कहीं गवर्नमेंट की भी कमी है और मैक्सिमम गवर्नमेंट की ही कमी है कि बच्चों को कहीं ना कहीं अंधेरे में थोड़ा ज़्यादा रखे इसमें, क्योंकि अभी आप देखें कि 15 दिन में लगभग 8 से 9 नया नोटिफिकेशन जारी हो गया 15 दिन के अंदर में और हर बार नया नया अमेंडमेंट नया नया सुधार, इससे मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूज हो गए। आप पहले यहाँ पर डोमिसाइल लाते हैं, 15 दिन बच्चों का फॉर्म भरा करके डोमिसाइल हटा देते हैं, तो आक्रोश स्वाभाविक है। आप अगर ईयर लगातार ईयर बाय ईयर वैकेंसी देते रहते, चाहे एसटेट हो बीटेट हो, लगातार आप देते रहते तो एक संख्या निश्चित रूप से अधिक आपको देखने को मिलती। अभी बिहार के शिक्षा मंत्री ये बयान देते हैं कि यहाँ मैथ के फिजिक्स के या साइंस सेक्शन के योग्य टीचर नहीं हैं, जबकि आप देखेंगे कि यहाँ के बच्चे अभी लगातार 2 साल से यूपीएससी टॉपर रह रहे हैं। सर से हम पूछना चाहते हैं कि सर शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि यहाँ पे वो डोमिसाइल जो पॉलिसी है वो मतलब हटा दी है और उसके बाद वो कहते ये भी हैं, कह रहे हैं इसीलिए कि हम हटाएं इसीलिए कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमको बीपीएससी में जो टीचर मिले वो मैथ का साइंस का और फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छा टीचर मिले, और अच्छा टीचर ना मिलने के कारण बिहार में वो इस पॉलिसी को ये किए हैं। सर हम आते हैं कि क्या वो इस नीति को ये किए हैं तो फिर उनको 1 to 5 में ही तो टीचर मिलेगा, 1 to 5 में अलग अलग प्रोस्पेक्टिव टीचर कहाँ से मिलेंगे, और जबकि टेट जब पास ही नहीं करेंगे सर तो फिर वो 9 से 12 तक बच्चे कहाँ से, वो टीचर कहाँ से लाएंगे सर?
ये तो शिक्षा मंत्री जी ही बताएंगे वो क्या सोच करके इस तरह का बयान दिए हैं, क्योंकि उनका जो ये बयान है वो एस्टेट को तो प्रभावित करेगा नहीं, जो बच्चे एस्टेट है वही 9th, 10th या 11th, 12th का फॉर्म भरेंगे, ये तो बयान ऐसे ही बेतुका हो जाता है। लेकिन हम उस बयान पे हम चर्चा नहीं करना चाहते, हम ये चर्चा करना चाहते हैं जिस तरीके से डोमिसाइल नीति आप लागू करके हटाए, आपको लागू ही नहीं करना चाहिए था, अगर वैसा था तो बच्चे कन्फ्यूज नहीं होते। और बेरोजगारी जितना बिहार में है, हमको नहीं लगता है कि किसी भी स्टेट में इतना ज्यादा बेरोजगारी है, तो स्वाभाविक है कि जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ, इस माहौल के चलते मैक्सिमम स्टूडेंट लगातार परेशान है। ये नहीं कि यहाँ के स्टूडेंट डर रहे हैं, यहाँ इतनी प्रतिभा भरी पड़ी है कि ये स्टूडेंट डरने वालों में नहीं है। बिहार के ही बच्चे अभी देखेंगे कोटा में एकदम टॉप क्लास का पढ़ा रहे हैं, दिल्ली में टॉप क्लास का पढ़ा रहे हैं, कहाँ नहीं पढ़ाते हैं, आप टीचर को पेमेंट कितना देते हैं। तो बहुत सारी इसमें इशू है, बहुत सारी बातें, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो अभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, अब कहीं ना कहीं इसका एक सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। सकारात्मक प्रभाव इस मायने में कि कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट को इस बात को सोचना पड़ेगा कि एक भी ऐसे अभ्यर्थी नहीं है कि जो कि इस मामले के आपके सपोर्ट में है, इस अभियान के सपोर्ट में, सारे स्टूडेंट इसके विरोध में है। और तो इतने ज्यादा बच्चों को या अभ्यर्थी को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से मैं भी कि सरकार 10% 5% अलग स्टेट के बच्चों को इसमें अलाउ कर दे और बाकी सारे बच्चे बिहार के ही रह जाए, तो ऐसा करना भी चाहिए। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि अभी अदर स्टेट से भी लगातार यूट्यूब पर देखेंगे कमेंट आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बिहार के बच्चे उत्तर प्रदेश भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरा अखंड भारत में हर जगह एग्जाम देने के लिए जाते हैं। उनका कहना है कि जब वो आते हैं तो हम क्यों नहीं। तो बात तो 100% जायज है, लेकिन अभी कई एक स्टेट ऐसे हैं जहां पर कि ये फाउंडेशन लगा हुआ है कि आप 10% में ही फाइट कर सकते हैं, 20% में ही फाइट कर सकते हैं। तो बिहार सरकार को भी इससे सीख लेते हुए कहीं ना कहीं ये चीज अख्तियार करनी चाहिए। टीचर हैं और आपको लोग देखते हैं, जानना चाहते हैं सर, अगर शिक्षा मंत्री को बिहार का भला ही करना चाहिए चाहते हैं वो शिक्षा डिपार्टमेंट में, तो वो कम से कम उनको एक पात्रता परीक्षा लाना चाहिए था, और जिसमें अभी 2006 के बाद जितनी बहाली हुई है, जिसका नियोजित जो टीचर है मतलब कि उन पे वो पात्रता परीक्षा ले करके, और जो भी पात्रता परीक्षा में पास होते हैं उनको अच्छे क्वालिटी अच्छे दर्जे के टीचर को रखते और बाकी को निकाल देते। क्या होता जैसे सवाल ये है कि आप सबको एक ही लर्नर से कैसे घाटिएगा? आप ये समझिए कि नियोजित शिक्षक अभी जो है आप उसको भी इसमें अलाउ कर रहे हैं, तो ये करेंट तैयारी करने वाले बच्चे हैं और नियोजित टीचर जो बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं, तो आप जिस तरह का सिलेबस जारी किए हैं क्या वो सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं? तो अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे आप होप कर सकते हैं कि गाय, गधा, बैल, भैंस सबको एक में आप हाँक रहे हैं, एक साथ कैसे वो जंप लगा पाएगा या एक साथ कैसे चल पाएगा? तो ये तो कहीं ना कहीं नीति का ही दोष है कि अभी भी स्टूडेंट कंफ्यूज है कि जो नियोजित शिक्षक हैं क्या हमारे ही सीट पर फाइट करेंगे या उनके लिए अलग व्यवस्थाएं होगी। तो अभी ये सब कुछ भी क्लियर नहीं है, इसलिए सरकार की बहुत जगह पे खामियां हैं और इस खामियों को भुगतना उन नियोजित शिक्षकों को भी पड़ रहा है, इन अभ्यर्थियों को भी पड़ रहा है, और सरकार भी कहीं ना कहीं इसके शिकार एक तरीके से हो रहे हैं। इतना अभी छिछिया लेदर इस मामले का हो रहा है तो आखिर इसके लिए दोषी कौन है? 100% सरकार है और बच्चे यहाँ कंफ्यूज है। आप कितने दिन का समय दिए हैं? आप 24 अगस्त से एग्जाम लीजिएगा, 14 पेपर सिलेबस में शामिल है, आप देख लीजिए कि बच्चे कैसे तैयारी करेंगे। सिलेबस का बात करते हैं सर से, चूंकि देखिए सर से खास बातचीत इस कारण से आए थे कि यहाँ पे सर पहले रेलवे का तैयारी करवाते थे और अब ये बीपीसी लेकर के मार्केट में उतरे हैं। उम्मीद करते हैं कि सर उसी तरीका से, जिस तरीका से स्टूडेंट उम्मीद इनसे करते थे रेलवे को लेकर के, उसी तरीका से ये सर इसमें भी उतरे। और सर से जानना चाहते हैं उस तैयारी का रणनीति कि सर कैसे कैसे तैयारी करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि छात्रों को पहले सिलेबस को समझना होगा कि 14 सब्जेक्ट है जिसमें लैंग्वेज का 2 पेपर है, हिंदी इंग्लिश, उसमें सिर्फ पास होना जरूरी है। पहले बच्चों को कन्फ्यूजन था कि इंग्लिश में अलग पास होना पड़ेगा हिंदी में, जबकि अब पूरा क्लियर कर दिया गया कि हिंदी इंग्लिश मिलाकर आपको 30 मार्क्स आना चाहिए हिंदी इंग्लिश में। चूँकि हमारा मदर टंग हिंदी है, हमको नहीं लगता है कि बिहार के बच्चों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा इस सेक्शन में पास होने में। बाकी बात रह गई कि इधर जीएस सेक्शन, जिसमें कि आपका मैथ रीजनिंग का भी अच्छा खासा वेटेज है, 35 से 40 क्वेश्चन सिर्फ मैथ रीजनिंग मिला करके रहेगा,
और जिस तरीके से आपको बताया गया कि चेयरमैन साहब अपने पीसी में इस बात को इंगित किए कि क्लास 1-5 के लिए जो हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन है +2, तो अपने क्वेश्चन के लेवल को वहां तक हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है और हमारा जो 20 साल का अनुभव रहा है, हमको लगता है कि स्टूडेंट को, छात्र को, अभ्यर्थी को 1 से 8 तक का, पहले से लेकर 8वीं क्लास तक के SCRT की बुक को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। 80% क्वेश्चन वहीं से पूछेगा, 20% अप टू 10th लेवल तक जा सकते हैं, और 9th 10th क्लास का NCERT पैटर्न के बुक को अच्छे से फॉलो करें, 100% होगा। इसके अलावा सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को समझना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, अच्छा खासा वेटेज रहेगा, ज्योग्राफी है, भूगोल, उससे अच्छा खासा वेटेज रहना है। इसके अलावा आप देखेंगे पर्यावरण को ऐड कर दिया गया है, तो पर्यावरण में 3rd से लेकर 5वीं क्लास तक में पर्यावरण सेक्शन है, उसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके अलावा भी साइंस का तीनों पेपर, तो 6-8 का जो मेन साइंस है, हमको लगता है उसको अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए मैक्सिमम साइंस कवर हो जाएगा। थोड़ा सा 20% साइंस के लिए 9th 10th लेवल तक पहुंचना होगा। तो इसके लिए आप मार्केट से अच्छे बुक्स देख लें, स्टडी मटेरियल देख लें, और अच्छे कोचिंग, क्योंकि यहाँ भी तो क्लास चल ही रहा है, या स्टूडेंट को जहाँ भी सुविधाएं होती है। अब अंतर क्या होता है कि किसी कोचिंग में क्लास करते हैं और खुद से करते हैं, तो सिलेबस ऐसा है 100% खुद से भी हो सकता है, लेकिन दिक्कत लास्ट मोमेंट में ये है कि समय इतना कम है कि 14 सब्जेक्ट खुद से पढ़ने में पसीना छूट जाएगा। पता चलेगा 4-5 पेपर पढ़ने में हमारा 1.5 महीना निकल गया, समय का पता ही नहीं चलेगा। और कोचिंग में क्या होता है कि डे बाय डे का रूटीन फिक्स है कि एक दिन में हम कितना पढ़ाएंगे कि 20 अगस्त तक में पूरा का पूरा 14 सब्जेक्ट हम एक बार अच्छे से रिवीजन करा देंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में 2 मार्क्स ही कम आता है, तो इसके वजह से हो सकता है कि आपका रिजल्ट फाइनल नहीं हो, क्योंकि 1 मार्क्स के अंतर पर 1500 बच्चों में उथल पुथल हो जाता है। और हमको नहीं लगता है इस प्लेटफॉर्म से सस्ता शिक्षा कहीं दिया जाता है। अभी आप देखेंगे मात्र 499 रुपये में टोटल 14 सब्जेक्ट 14 अलग अलग टीचर के द्वारा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर हम दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं 14 टीचर 500 रुपया हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें हम स्टडी मटेरियल हर चीज का व्यवस्था किया, इससे सस्ता और क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट खुद से भी पढ़ाई करें, सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को समझ करके पढ़ाई करें, और कोशिश करें एक सेट डेली अभी बनाएं, 120 क्वेश्चन का अलग, और सप्ताह में एक दिन जो लैंग्वेज पेपर है उसका अलग से, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसका डिस्कशन वो जरूर करें, जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन दूसरे सेट में मिले, वहाँ आपका स्कोर प्लस होते चला जाए। और यही छोटी छोटी चीज़ों को अख्तियार करके, अपना करके, हमको लगता है बेहतर परफॉर्मेंस दिया जा सकता है। ज़्यादातर लोग जानना चाहेंगे कि आपका जो ये प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन, अगर कोई मान लीजिए बहुत दूर के लोग हैं वो आकर के यहाँ पे नहीं जारी कर सकते, क्या उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने जारी किया है? बिल्कुल, अभी आपको बताया कि प्ले स्टोर में जा करके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप उसको डाउनलोड कर लेना है, और वहां से बच्चे 499 रुपये में पूरा 14 सब्जेक्ट 14 अलग अलग टीचर के द्वारा बेस्ट क्वालिटी के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ पूरा क्लास उपलब्ध। बिल्कुल, टेस्ट के लिए 50 रुपये में 10 टेस्ट, 5 रुपया एक टेस्ट का, डिस्कशन सहित सारा उपलब्ध है। टेस्ट का रेट वही है जिस समय हम 2013 में, उस समय तो महंगा था, अब और दिन ब दिन सस्ता हो गया है, लगभग ऐसा ही था, 5 रुपया पर टेस्ट उस समय भी लेते थे, 5000 बच्चे आते थे टेस्ट देने के। अच्छा सर, ऑफलाइन अगर कोई क्लास करना चाहते हैं तो इसका एड्रेस क्या हम बता सकते हैं सर? आप सीधा के भिकना पहाड़ी, सैदपुर मोर, भिकना पहाड़ी प्लेटफॉर्म, कोई भी पहुंच जाएंगे, इजी है। थैंक यू सर, सर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि नवीन सर हम लोगों को टाइम दिए और बात किए। विशेष अगर और भी कोई जानकारी रहेगा, कोई कमेंट करिएगा, जिनको जो तकलीफ होगा उस कमेंट को लेकर के फिर सर से हम बात करेंगे और सर से जानना चाहेंगे हम।